चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदला जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हुडा सिटी सेंटर से बदल करके अब गुरुग्राम सिटी सेंटर इसका नाम कर दिया जाएगा। डीएमआरसी ने ये नाम बदलने का फैसला लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अब धीरे धीरे सभी चीज़ों में नाम ये बदल दिया जाएगा। हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन गुरुग्राम का आखिरी मेट्रो स्टेशन है येलो लाइन का, और इसका नाम बदला जाएगा। गुरुग्राम सिटी सेंटर के नाम से अब इसे जाना जाएगा, हुडा सिटी सेंटर की बजाय। नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डीएमआरसी ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हुडा सिटी सेंटर से बदल करके गुरुग्राम सिटी सेंटर के नाम से अब ये मेट्रो स्टेशन जाना जाएगा। डीएमआरसी ने इसके बारे में जानकारी दी ट्वीट कर। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से ये ट्वीट करके जानकारी दी गई है। हुडा सिटी सेंटर जो मेट्रो स्टेशन, और इसका अब नाम बदला जा रहा है। संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। संजय, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदला जा रहा है, कब तक ये प्रक्रिया पूरी होगी? जी बिल्कुल हितेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से डीएमआरसी की द्वारा तमाम जो चीजें हैं वो कर दी गई, स्पष्ट कर दिया गया, और साथ ही साथ एक ट्वीट कर जो है ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया तमाम जगह पर। अब वो है गुरुग्राम हुडा सिटी का नाम चेंज कर दिया गया, और साथ ही साथ अब जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई। ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी अब गुरुग्राम सिटी सेंटर लिखा जाएगा, और साथ ही साथ तमाम शाइनिंग बोर्ड है उसके अंदर भी जो है नाम वो बदला जाएगा, और साथ ही साथ जो ब्रांडिंग हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन पे हो रही थी उसके ऊपर भी अब गुरुग्राम सिटी सेंटर लिख दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव किया गया। और येलो लाइन की मैं बात करूं, दिल्ली मेट्रो के येलो लाइन का सबसे जो व्यस्त रहने वाला जो है स्टेशन वो हुडा सिटी सेंटर है, यही रूट है, और ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो पैसेंजर है उनको कहीं ना कहीं कुछ परेशानी जरूर हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हुडा सिटी सेंटर के नाम से तमाम लोग इसको जानते थे, अब जब मेट्रो स्टेशन के अंदर जब अनाउंस होता था तो उसमें भी हुडा सिटी सेंटर होता था, अंतिम जो स्टेशन था वो गुरुग्राम का था येलो लाइन का, और ऐसे में कहीं ना कहीं आप लोगों को परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है क्योंकि अब उसको गुरुग्राम सिटी सेंटर के नाम से जाना जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को अब जब तक ये पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाती है उससे पहले तमाम जो है व्यवस्थाएं डीएमआरसी के द्वारा की जा रही है, वो चाहे शाइनिंग बोर्ड की बात करूं या फिर ब्रांडिंग की बात करूं या फिर मेट्रो के अंदर जो अनाउंस होता है उसके अंदर भी अब गुरुग्राम सिटी सेंटर रखा जाएगा, तो तमाम लोगों को परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है क्योंकि जब तक तमाम जो प्रक्रिया है वो पूरी ना हो जाए। जी, इसके पीछे क्या कोई खास वजह बताई जा रही? जी बिल्कुल, अभी तक हम बात करें डीएमआरसी के द्वारा एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट के अंदर इतना ही लिखा है कि तमाम जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर शाइनिंग बोर्ड है या फिर ब्रांडिंग की बात करें या फिर मेट्रो के अंदर होने वाली अनाउंसमेंट की बात करें उसके अंदर अब गुरुग्राम जो है सिटी सेंटर उसमें करा जाए, और वो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और जिस तरीके से दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों ने तमाम जो कर्मचारी अधिकारी उनको दिशा निर्देश भी दे दिए हैं, जल्द से जल्द इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए जिससे कि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए संजय।